खबर उत्तर प्रदेश के गिलोला थाना क्षेत्र के दंदौली गांव से सामने आ रही है, जहां पर आज एक अज्ञात युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि गिलोला थाना क्षेत्र के दंदौली गांव के करीब में आज एक संदिग्ध व्यक्ति की पेड़ से लटकता शव मिला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, वैसे ही पुलिस मौके स्थल पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई, लेकिन पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस के द्वारा मौके स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और वहां पर मौजूद कई गांव के लोगों से जानकारी लिया गया, लेकिन जिस युवक का वहां संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था, उसके परिवार का कोई पता नहीं लग सका। जिस युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिली है, उसका उम्र लगभग 30 वर्ष है। पुलिस के द्वारा यह बताया गया कि जैसे ही पुलिस को संदिग्ध व्यक्ति की मौत की सूचना मिली, वैसे ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके स्थल पर पहुंच गई और उसके बाद शव को कब्जे में ले लिया, जिसके बाद पुलिस अज्ञात व्यक्ति के शव के शिनाख्त करने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो आपको बता दें कि गिलोला थाना क्षेत्र के दंदौली गांव में एक आज अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गई और उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जैसे ही सूचना क्षेत्राधिकारी को मिला, वैसे ही क्षेत्राधिकारी भी मौके स्थल पर पहुंच गए और पूरे घटना की बारीकी से जांच पड़ताल करने लगे। श्रावस्ती जिले से न्यूज एडिट यूपी के लिए अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।